इसके अलावा यहाँ पर भी है। ये वाले सही है ना? हाँ ये वाले भी है। मम्मा की जान उठ गई, बोला आपको उठ गई मेरा बच्चा। हाँ मम्मा को बताया भी नहीं कि आप उठ गई हो ऐसे अकेले अकेले। आ जाओ मलाक, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आज मैंने नाश्ते में बनाया है सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के साथ साथ यहाँ पर मैंने अंडे भी बना लिए हैं और मैंने बनाई है आज बिल्कुल सादी रोटी, कोई पराठे नहीं बनाए मैंने। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बिल्कुल ना सिंपल रोटी बनाऊं और मैंने अभी सारा नाश्ता जो है ना तैयार कर लिया है। बच्चे जो है ना अभी सारे सोए हुए हैं, सिर्फ इस वक्त कौन उठा हुआ है, सिर्फ तमन्ना उठी हुई है और मलाक उठी हुई है। मलाक को जाके ना अभी मैं फ्रेश करवाती हूँ, उसके बाद जाके मैं सारे बच्चों को उठाती हूँ और फिर हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। मलाक उठ चुकी है और मैंने मलाक के कपड़े निकाल लिए हैं, तो बस जल्दी से अब मैं इसे फ्रेश करवाती हूँ और यहाँ पे हमारी मलाक को ना तैयार हो गई बिल्कुल ना। ये बच्चा ना अभी फ्रेश हो गया, इधर देखो फ्रेश हो गया बच्चा। हाँ माशाल्लाह मलाक। हाँ निया ये रहे आपके कपड़े, मैंने प्रेस कर दिया, उठो जल्दी से चेंज करो, छोड़ दो मलाक को। आपने सब क्या बना दिया पिंकी टिंकी? अच्छा मुस्तफा नहीं उठा अभी तक? वो नीचे अकेले सोया हुआ, उठा के थक गई। अच्छा मैं जाती हूँ, उठो आप जल्दी करो, लाइट ऑन ऑफ कर करके थक गई, उठे ये मुझे लाते हमारी बड़ी। आप छोड़ो ना मलाक को। अच्छा ठीक है उठो जल्दी से चेंज करो। हानिया जाती हूँ थोड़ा बहुत खेल लूँ उसके साथ। आप पहले कपड़े चेंज करो फिर खेलती रहना, मैं नहीं मना करूंगी, आप उठ जाओ। पापा नहीं? पापा नहीं है, वो आ जाएंगे कुछ देर तक, हम चले गए वो, आपको पता तो है सुबह सुबह चले जाते हैं फजर के टाइम में। दस्तरखान हमारा लग चुका है और सब ने खाना खाना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। अब अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। और यहाँ पर नाश्ते में हमारे साथ आई हुई है मलाक। मलाक ने नाश्ता करना है, मलाक ने आज सूजी के साथ नाश्ता करना है। हस्बैंड अभी फार्म से आ गए हैं और बच्चे भी अभी जाने ही वाले हैं और वहाँ से ये क्या लेकर आएंगे देखिए, ताज़ा ताज़ा खजूर है वहाँ से। मलाक ने चलना है मम्मा के साथ। मलाक मलाक चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ये कपड़े पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ मेरा बच्चा। चले मलाक बस तैयार हो गई मलाक। ये आ गया मलाक का मिल्क, मलाक का वाटर, मलाक का फीडर और ये सब कुछ मलाक देख रही है कि क्या क्या मामा बास्केट में डाल रही है ना। और ये रहे मलाक के वाइप्स। बच्चे गए हुए पढ़ने, मलाक को मैंने अभी तैयार करवा दिया है, अभी हम लेने जा रहे हैं बच्चों को। बच्चों को लेके तो मैंने उन्हें जाके ईद की ड्रेस दिखानी है, जिस लेडी से पहले हमने ईद की ड्रेस ली थी उसी के पास अभी मैंने मोना और तमन्ना को लेकर जाना है कि वो वहाँ जाके देख के तो अपनी पसंद की ईद की ड्रेस ले रहे, क्योंकि ईद में बाकी कुछ ही दिन बाकी। उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ से पाकिस्तान से कोई लेकर आए इनके लिए, लेकिन पाकिस्तान से फिलहाल ऐसा कोई बंदा भी नहीं आ रहा था जो इस टाइम जैसे ईद के टाइम पे। हाँ ईद के बाद तो काफी सारे लोग आ रहे हैं लेकिन अभी कोई नहीं आ रहा। तो आज मैंने इन्हें कहा है, जब ये जा रहे थे मैंने इन्हें कहा कि आज आप जैसी आएगी तो हम जाएंगे वहाँ पे जाके देखेंगे, आप भी देख लेना और मैं भी देख लूंगी। कुकू भी आ गया नीचे, कुकू चलना है अपने हमारे साथ। मलाक मेरी मलाक कहाँ जा रही है? हैरान परेशान है कि कहाँ जा रही हूँ मैं, कुछ पता नहीं बच्चे को कहाँ जा रही है। मलाक ये देखो बहुत गर्मी है बच्चा, बहुत गर्मी है। मेरी मलाक के जो गाल है ना वो लाल होना शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है इसे कि मैं अब आ गई हूँ गर्मी में, है ना। हम कब से वेट कर रहे हैं आपको पता है? कब से? कितनी देर हो गई हम यहाँ पे, क्या हुआ, क्यों देर कर दिया आपने? कॉल लेट आई है। तो क्या हुआ है? हानिया क्या हुआ है? हानिया को बताओ क्या हुआ है। मुस्तफा का बेटा, लड़ाई हुई है उसके साथ? मारता है मुझे। मीठी वाली इसकी सुनो, तंग हो गया। तंग हो गए हो? तमन्ना ने क्या कहा? चटनी ठीक है, सारा कुछ डलवा के आना, मैं फीका बनवा के आऊंगा, सिर्फ अपना तेल बनवा वो फिर मैं खुद खा। और हानिया, हानिया को क्या चाहिए? मुझे फालूदा चाहिए। ये किसकी है? ये आपकी और ये आप ही की? नहीं मैंने समोसे नहीं कहे थे। क्या आप ही की? कौन सी चाहिए बताओ? मेरी वाली में ज्यादा मसाला है ना? हाँ ये वाली मेरी है, इधर दे दे मम्मा। यहाँ पे आ चुकी है हमारी मजेदार सी चटपटी समोसों से बनी प्लेट, चाट मसाला, चने, समोसे, दही, पता नहीं क्या से क्या डाला हुआ है। मेरी और मलाक की प्लेट है। दो मिनट मलाकों को पकड़ के बैठो, मलाक के बाल देखो गर्मी से कैसे हो रहे हैं। अभी हम मलाक का दूध लेके आ रहे हैं। क्या लग रही है ये मलाक?
तो यहाँ पे है मलाक का दूध और मलाक के लिए जो सिरी लेके ना वो ये वाला ले रहे हैं हम, ये पकड़े। और यहाँ पर हैं सारे बेबी फूड्स, तो यहाँ से ना मैं एक ले रही हूँ ये वाला ट्राई करने के लिए। तो मलाक को खिला के देखेंगे, अगर उसे ये पसंद आया तो फिर मैं ये और आके ले जाऊंगी। फिलहाल मुझे ये सही लग रहा है कि ये जाके ना मैं ट्राई करवाती हूँ फर्स्ट टाइम मलाक को। इसके अलावा यहाँ पर भी है और ये भी बेबी फूड ही है, ये भी 6 मंथ से स्टार्ट है और यहाँ पे भी है, ये सेम सिरिलैक है। अच्छा, बच्चों के लिए ना काफी सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो है ना ये ऑर्गेनिक बेबी फूड है ये वाला। इस पे मैं बाद में सर्च करके देखूंगी कि ये कैसा रहेगा, लेकिन फिलहाल जो है ना फिलहाल मैं ये लेकर जा रही हूँ ट्राई के लिए। मेरी मलाक गर्मी से कैसे लग रही है? जल्दी आप खोलो ना फिर। मलाक क्या करे मेरा बच्चा। मन्ना तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हूँ। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं तमन्ना, आप बताओ। जा रहेंगे ईद से। अच्छा, जब मैं इन्हें यहाँ से लेने के लिए जा रही थी ना, तो मैंने यही सोचा था कि ईद को ना बाकी तकरीबन कोई 3 दिन रहते हैं। मेरे बिल्कुल भी दिमाग में ये चीज नहीं थी कि ईद को बाकी 1 दिन 2 दिन रहते हैं, यानी कल जो है कल हज है, परसों ईद होगी। और फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा ठीक है जो ईद की जो शॉपिंग है, ईद की जो ड्रेसेस है वो हम कल करते हैं, लेकिन आज जो है ना आज ग्रोसरी बहुत जरूरी। इसलिए जैसे हमने बच्चों को उठाया सीधा हम घर आ गए, और अभी तमन्ना कह रही है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। तमन्ना मेरे साथ जा रही है और हम जा रहे हैं। वैसे भी मुझे ईद की जो ग्रोसरी है वो लेनी थी, काफी सारी चीजें जो वो घर में खत्म हो गए हैं। तो जैसे कल हमने रोजा भी रखना है, तो उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ सामान वो भी ले लेंगे। तो बस अभी हम निकलने वाले हैं मार्केट के लिए। नहीं है ना आपके पापा अभी तक बाहर? गाड़ी में नहीं बैठे, हम बाहर आ गए हैं देखने के लिए और वो है नहीं गाड़ी में। तो अभी हम आ गए हैं हैपर पांडा अपनी ग्रोसरी करने के लिए। यही सी देख के लग रहा है कि अंदर रश होगा मार्केट में। क्या कह रही हो तमन्ना आप? मैंने कल रोजा है इस वजह से आज रश है, ईद भी तो है ना परसों। हाँ, साफ साफ पता चल रहा है कि अंदर रश होगा। दूसरी वाली है ना? हाँ, ये दूसरी वाली है, ये छोटी वाली है। पहले पहले हम आ गए हैं फ्रूट्स वाली साइड पे, तो यहाँ से अभी हम लेते हैं कुछ फ्रूट्स, क्योंकि रोजा भी है और ईद के लिए भी हम आज ही अभी ही ले लेंगे। माशाल्लाह आप सब देख सकते हैं कि सब यहाँ पे अपनी ग्रोसरी में बिजी हैं, कोई सब्जी में है, कोई फ्रूट्स में है, कोई बेकरी में है, कोई कहाँ पे है। स्पेशली ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे दिनों में, जब मैं जाती हूँ मार्केट जाती हूँ तो सब देखती हूँ गहमा गहमी, जैसे हम चांद रात में देखते हैं, रमजान करीम में देखते हैं और ईद वाले दिनों में देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से लोगों को देख के। सबसे पहले पहले यहाँ पर आ गए हम एप्पल लेने के लिए। मैं देख रही हूँ कि सारे जो फ्रेश हो ना वो लूँ, और माशाल्लाह इस मार्केट में चीज़ें जो है ना वो सारी फ्रेश होती हैं, अच्छी अच्छी साफ सुथरी चीज़ें देख के ना वो यहाँ पे रखते हैं। अभी हम आ गए हैं बनाना लेने के लिए। बनाना लेकिन यहाँ पे ना कच्चे कच्चे लग रहे हैं, सारे ग्रीन ग्रीन है। इस साइड से भी देख लिया, उस साइड से भी देख लिया, मैंने कहा यहीं पे होंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी है ना सारे देखे ग्रीन कलर में है। ये वाले देखें कुछ लग तो रहे हैं येलो, ये वाले सही है ना? हाँ, ये वाले ठीक है। ये हमने ना ढूंढ के निकाल लिए जदोजहद करके इन सारे बनानाज में से। ये पकड़ो, शॉपर ले उसमें डालो, ये पकड़ो। यहाँ पर हमने ले लिया मोज़रेला, तमन्ना और मोना ने ईद पे बनाना है पिज्जा। देखिए माशाल्लाह सारे जैतून ही जैतून है, यूँ समझे कि ये पूरी जो है ना ये जैतून की दुनिया है और सब लोग यहाँ से जैतून ही ले रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज हैं जैतून की, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल के ना यहाँ पे जैतून मिलते हैं। एक ले लिए हमने यहाँ से दही। लास्ट में वहां से आए टैंक, काफी देर से ना हम टैंक को ढूंढ रहे थे, खैर मिल गया हमें इस साइड पे लास्ट में। ना कौन सा लें? ऑरेंज वाला ले लेते हैं, हमेशा ऑरेंज और मैंगो हम ले लेते हैं। ये वाला नहीं, इस बार लेमन वाला, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा खट्टा खट्टा होता है। ऑरेंज जैसे ज्यादा सही नहीं होगा, मुझे पता है ये ऑरेंज ही लेना है इन्होंने। तो बस एक यहाँ से हमने टैंक ले लिए, बाकी तुमने ग्रेप्स रह गए हैं, ग्रेप्स रह गए और स्ट्रॉबेरी और क्या रह गई। तो फ्रूट्स लेते लेते ना हम आगे आ गए थे और चीज़ें लेने आ गए। ग्रेप्स ये वाले ठीक है? हाँ ये वाले ठीक है। रेड वाले ना लें? नहीं ये वाले ज़्यादा अच्छे हैं रेड वाले से ना ज़्यादा इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। नज़र भी नहीं आ रहे ना रेड वाले, देखो कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फाल से आएंगे।
नहीं फाल से आई नहीं नहीं वेरी ये देखो इनकी पैकिंग में देख रही हूँ इतनी खूबसूरत है ये न्यूजीलैंड से पैक होके आए हैं हम ना वहाँ से चल के देखते हैं ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पे भी सेम वही चीज है सारे ना सेम बस ये कि वो फ्रीजर में पड़े हुए हैं और ये बाहर पड़े हुए वाले सही नहीं है ये वाले भी सही है देख लें आप दरवाजा चाबी नहीं है दो नीचे रख दो भारी है तो हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगे हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपना ढेर सारा ख्याल रखें अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें अल्लाह हाफिज़।